चलो दोस्तों, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि AWS पे फ्री टियर अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल हमारा अब स्टार्ट हो रहा है। लॉन्च योर फर्स्ट ईसी टू इंस्टांस क्विकली, क्रिएट ईसी टू इंस्टांस विद डिफॉल्ट ऑप्शन। तो हम एक ईसी टू इंस्टांस आज लॉन्च करके देखेंगे डिफॉल्ट ऑप्शन से, विंडो बेस और लिनक्स बेस। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले लिनक्स बेस बनाकर देखते हैं, फिर उसके बाद विंडो पे आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा अकाउंट है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। ठीक है, और ये देखो मेरे रीजन्स आ रहे हैं, राइट। टोटल इतने रीजन्स हैं यहाँ पर। अगर आपने मुंबई सेलेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है, तो आप कुछ भी सर्विस डिप्लॉय करोगे ये मुंबई के डेटा सेंटर में जाएगा जो AWS ने बनाया है। ठीक है, मैंने मुंबई इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे मेरी लोकेशन जहां पे मैं बैठा हूं वहां से मुझे मुंबई वाला पास पड़ रहा है। अगर मैं यूएस में बैठा होता ना तो मैं सिंगापुर सेलेक्ट करता, सॉरी अगर मैं सॉरी सॉरी मैं अगर यूएस में बैठा होता ना तो मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया या कैलिफोर्निया या ओरेगन या ओहायो, इनमें से कोई सेलेक्ट करता जो मुझे पास पड़ रहा है। ठीक है, आप गूगल में आके चेक कर सकते हो आपको कौन सा डाटा सेंटर पास पड़ रहा है, राइट। कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूं। क्लाउड पिंग एक कमांड होती है, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। इस पे क्लिक करो और HTTP पिंग में क्लिक करो, आपको लेटेंसी बता देगा आपके सोर्स पॉइंट से AWS का कौन सा डाटा सेंटर नियरेस्ट है, राइट। तो नॉर्दर्न वर्जीनिया पहुंचने में मुझे 268 मिलीसेकंड लग रहे हैं और मुंबई पहुंचने में 47 मिलीसेकंड लग रहे हैं। ऑब्वियसली मैं मुंबई रीजन पे अपनी सर्विस को डिप्लॉय करने जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट कैसे डिप्लॉय करते हैं बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा डॉक की तरफ चलता हूं मैं आपको। तो यहां पर देखो AWS टर्मिनोलॉजी। AWS क्या करता है, अपने रिसोर्सेस के नाम अपने टर्म अपने हिसाब से इन्होंने रखे हैं। जैसे इंडस्ट्रीज में अगर आप किसी को वर्चुअल मशीन या वर्चुअल सर्वर बोलते हो, AWS उसको वर्चुअल मशीन वर्चुअल सर्वर नहीं बोलता, उसको बोलता है AWS EC2 इंस्टांस। EC2 स्टैंड फॉर इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ऐसे ही आप अपने इंडस्ट्रीज में जिसको टेम्पलेट बोलते हो उसको AWS कहता है AMI, अमेज़न मशीन इमेज। ऐसे ही आप इंडस्ट्रीज में जिसको DNS बोलते हो AWS उसको कहता है Route 53। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे तो नाम भी याद होता जाएगा। तो आप सर्विस पे जाओ, अगर आप यहां पे VM लिखोगे तो VM की जगह ये EC2 आपको आएगा। ठीक है, तो ये EC2 का डैशबोर्ड ओपन हुआ। अभी आपके सामने बोल रहा कोई भी वर्चुअल मशीन रनिंग नहीं है, मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं कैसे, लॉन्च इंस्टांस। जैसे ही लॉन्च इंस्टांस में मैंने क्लिक किया, AWS आपको बोलता है आप इमेज का सिलेक्शन करो, कौन सा इमेज के साथ आपको मशीन डिप्लॉय करना है। बनी बनी इमेज रखी हुई है, ये AWS की अपनी खुद की लिनिक्स है, ये रेड हैट का लिनिक्स है, ये सूजे का लिनिक्स है, ये उबंटू का, आप ये विंडोज, आप अपनी नीड के हिसाब से सेलेक्ट करो और नेक्स्ट जाओ। यहां पर मैं रेड हैट 7.5 को लॉन्च करने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत सारी इमेजेस आपको यहां पर मिलेंगी, बट यहां पर मैं रेड हैट 7.5 मैंने सेलेक्ट किया। इमेज का सिलेक्शन मैंने कर लिया, अब मुझसे पूछता है हार्डवेयर का सिलेक्शन करो। तो देखो दोस्तों ये मॉडल नंबर आ रहे हैं, T2 नैनो कह रहा 0.5 GB रैम के साथ है, T2 माइक्रो 1 GB रैम के साथ है, T2 स्मॉल 2 GB रैम के साथ है, T2 मीडियम 4 GB रैम के साथ है, T2 लार्ज 8 GB रैम के साथ है, T2 एक्स लार्ज 16 GB के साथ है, T2 2X लार्ज 32। और ऐसे नीचे आओगे तो आपको 12,000 GB तक की वर्चुअल मशीन मिलेगी दोस्तों यहां पर, राइट। बट AWS बोलता है हम आपको फ्री में सिर्फ T2 माइक्रो प्रोवाइड करते हैं फ्री टायर पे, कोई और एक्स्ट्रा अगर आप लोगे तो चार्जेबल होगा। इसीलिए मैं इस प्रैक्टिकल में T2 माइक्रो ही लेके चल रहा हूं जो फ्री टायर का पार्ट है, यहां पे लिखा भी हुआ है, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट किया अब आपको पूछ रहा है कितनी वर्चुअल मशीन बनानी है जो कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने सेलेक्ट किया है। तो यहां पर मैं अगर 5 लिख दूं
तो 5 वर्चुअल मशीन एक ही बार में बन जाएगी, बट मैं यहां पर एक ही बना के चल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे। अभी मैं डिफॉल्ट ऑप्शन को यूज करके मशीन को बनाना सिखा रहा हूं, क्लियर। आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एड स्टोरेज, जैसे कि यार नेक्स्ट एड स्टोरेज, अब आपसे बोलता है स्टोरेज तो ले लो इस मशीन पे, तो ये स्टोरेज बाय डिफॉल्ट 10 GB दे रहा है, आप इसको बढ़ा सकते हो। इस प्रैक्टिकल में मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, जब स्टोरेज पढ़ेंगे तब बढ़ाकर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट, अब जैसे नेक्स्ट किया तो कह रहा है टैग नेम डिफाइन करो। आप टैग नेम को स्किप भी कर सकते हो, बट AWS रिकमेंडेड करता है आप कोई भी वर्चुअल मशीन AWS के प्लेटफॉर्म पे बना दो, उसको टैग दे दो, आपको बेटर होगा बाद में उसको सर्च करने में, क्लियर। तो यहां पर मैं टैग नेम दे देता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट EC2 इंस्टांस, ये मैं टैग देता हूं, राइट, और नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट किया तो देखो ये सिक्योरिटी ग्रुप यहां पे आ गया, जिसको हम कहते हैं फायरवॉल। समझाता हूं ये फायरवॉल क्या चीज है दोस्तों। मान लो ये AWS का डाटा सेंटर है मुंबई रीजन, ठीक है। अब मैं, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, दिस इज माय लैपटॉप, मैं यहां पे लिख देता हूं माय लैपटॉप। मैं अपने लैपटॉप के अंदर जाकर मैंने क्या किया, https://aws.amazon.com को मैंने ओपन किया और यहां से वर्चुअल मशीन मैं बना रहा हूं। कहां बना रहा हूं, मुंबई रीजन में। तो एक्चुअल में वर्चुअल मशीन कहां पे जाके बनेगी, AWS के डाटा सेंटर के अंदर। मान लेते ये वर्चुअल मशीन बन गई, ठीक है। अब AWS क्या बोलता है कि जब आप इसको एक्सेस करोगे तो आप अपने लैपटॉप से एक्सेस करोगे, आप अपने लैपटॉप से बैठ के ये कमांड चलाओगे SSH -EC2 -user, ये EC2 -user क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जब मैं अपने लैपटॉप से हिट करूंगा तो हिटिंग कैसे जाएगी, यहां से हिटिंग मेरे लैपटॉप से हिटिंग जाएगी ऐसे यहां पे, लेकिन यहां पे मशीन के अंदर जाने से पहले यहां पर दोस्तों एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा होता है जिसको हम कहते हैं फायरवॉल। क्या कहते हैं, सिक्योरिटी फायरवॉल, जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग पोर्ट होता है, ठीक है, वो यही चीज है। तो कह रहा है क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, मैंने क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, मैंने बोला यहां पर नाम दे देता माय फायरवॉल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो कह रहा है कि जब आप बंदा अपने लैपटॉप मेरे, जब मैं अपने लैपटॉप से उसकी तरफ जाऊंगा, ठीक है, तो इनबाउंड में पोर्ट चेक होगा, SSH करने जाऊंगा तो SSH का पोर्ट चेक होगा, ठीक है। तो मुझे यहां पर क्या करना होगा, SSH ऑलरेडी ऐड कर रखा है, राइट, मैं यहां पर कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहा हूं SSH का। जब सिक्योरिटी ग्रुप का टॉपिक अलग से आएगा वहां डिस्कस कर लेंगे, आप भी मत छेड़खानी करना, अभी फर्स्ट लैब है, डिफॉल्ट ऑप्शन है, बस नाम चेंज करना है तो कर देना, बाकी ऐसे ही नेक्स्ट कर दो, ठीक है। हाँ, अगर ज़्यादा समझ में नहीं आता तो चुपचाप से SSH को हटा के ऑल ट्रैफिक कर दो, अभी के लिए दोस्तों बस ऑल ट्रैफिक और एनीवेयर, अभी के लिए आप ऑल ट्रैफिक एनीवेयर कर दो, बाद में समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो मैं ऑल ट्रैफिक किया और एनीवेयर और नेक्स्ट। अब आपसे कह रहे हैं कि आप एक बार रिव्यू कर लो आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट किया है, कोई इशू तो नहीं, चेक कर लो। उसके बाद लॉन्च में क्लिक करो, जैसे लॉन्च में क्लिक करोगे आपसे बोलेगा की पेयर क्रिएट करो, क्रिएट न्यू की पेयर, ठीक है, क्योंकि जब आप एक्सेस करोगे तो ये आपको पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं, की देते हैं, राइट, तो इसलिए हमें की बनानी पड़ेगी, वो भी फर्स्ट टाइम के लिए। बाद में आप उसका पासवर्ड वगैरह मशीन का सेट करके आप फिर विदाउट की एक्सेस कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम कोई मशीन को आप की के थ्रू ही एक्सेस करोगे, ये AWS रिकमेंडेड सिर्फ करने देता है, राइट, रिकमेंडेड नहीं, ये करना ही पड़ेगा। तो यहां पर मैं की का नाम अपने हिसाब से दे सकता हूं, राइट, मैंने यहां पे दे दिया की का नाम फर्स्ट EC2 की, आप कुछ भी दे सकते हो, आप यहां पे डाउनलोड करो, उसके बाद डाउनलोड हो गया और लॉन्च और व्यू इंस्टॉल्स। अब ये मशीन आपकी क्रिएट हो रही है,
अब AWS देखो, इस मशीन की डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो की पे, यहाँ पर टैग नेम आ रहा, डिस्क्रिप्शन में आओ देखो यहाँ पे सब कुछ, इंस्टांस आईडी, फायरवॉल, EMI ID, और साइड में आते हो तो पब्लिक DNS नेम एंड पब्लिक IP एड्रेस एंड प्राइवेट IP एड्रेस। अब ये पब्लिक IP एड्रेस क्या है, प्राइवेट IP एड्रेस क्या है, ये समझाता हूँ। तो मैं यहाँ से अभी प्राइवेट IP को कॉपी करता हूँ, अपने MS Paint की तरफ चलता हूँ। दोस्तों ये प्राइवेट IP जो आपको दिख रही है वो इस EC2 इंस्टांस पे मिली हुई है, ठीक है, इस EC2 इंस्टांस पे आपको मिला हुआ है, ठीक है, ये लो। बट ये IP एड्रेस अभी फिलहाल अभी के लिए मेरे लैपटॉप से एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। ये मशीन AWS के डाटा सेंटर में बना है और ये प्राइवेट IP एड्रेस है, तो अपने लैपटॉप से मैं इस IP को पिंग नहीं कर सकता, तो इवन मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट नहीं कर सकता। बट AWS आपको एक सोल्यूशन देता है, पब्लिक IP एड्रेस, कहता है इस मशीन को कनेक्ट करना है तो मैं आपको पब्लिक IP एड्रेस दे रहा हूँ। बट ये पब्लिक IP एड्रेस इस EC2 पे कहीं पे नहीं होता, ये पब्लिक IP एड्रेस दोस्तों AWS हमारे लिए एक IGW की डिवाइस लगा के रखता है बाहर पर। IGW बोले तो इंटरनेट गेटवे की डिवाइस वो लगा के रखता है, ठीक है, और वो IP एड्रेस जो पब्लिक वाली है वो यहाँ पे पड़ी होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बोलता है कि आप अगर इस EC2 इंस्टांस को कनेक्ट करना चाहते हो जो AWS पे बनी हुई है, तो आपसे ये कहता है कि आप इस IP को हिट करो, ठीक है, ये IP ट्रांसलेट कर देगा इसके साइड। तो आप अपने लैपटॉप से बैठकर पब्लिक IP को हिट करोगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे कनेक्ट करेंगे, तो आप पहले पब्लिक IP को कॉपी कर लो, ठीक है। अब अगर आप उस प्लेटफॉर्म से बैठ के कनेक्ट कर रहे हो जहां पर विंडोज पड़ा हुआ है, ठीक है, तो दोस्तों आपको यहां पर ना एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम है एक्सेल, ठीक है। आप फ्री में है, आप इसको डाउनलोड करो, ठीक है, आप यहां से डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल। तो मैं आपको दिखाता हूं, पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, राइट, ये डाउनलोड हो रहा है। तो देखो दोस्तों ये डाउनलोड हो गया, अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूं। डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूं इसको। राइट, रॉकेट साइंस नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है बस आपको यहां पर। फिनिश। अब क्या करोगे आप, चलते हैं डेस्कटॉप में, ये आ गया होगा यहां पे, आ जाएगा एक्सेल, ये आ गया, आप इस पे क्लिक करोगे आप, राइट, परचेज के लिए बोल रहा है, मैं यहां पे कैंसिल करता हूं, भाई मुझे परचेज नहीं करना, प्लीज गो अवर ऑनलाइन स्टोर टू परचेज एक्सेल लाइसेंस प्रोडक्ट की विल परचेज, चेक करता हूं। चलो दोस्तों, तो ये लाइसेंस के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो मैं इस सॉफ्टवेयर को स्किप करता हूं, मैं आपको दूसरा सॉफ्टवेयर बताता हूं, राइट। और दूसरा सॉफ्टवेयर आपका होता है पुट्टी, आप पुट्टी के थ्रू भी कर सकते हो, तो आप पुट्टी को डाउनलोड करो, ठीक है, देख लेते हैं पुट्टी कैसे डाउनलोड होती है, बहुत इजी है, आपने कई बार कर रखा होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर देखो डाउनलोड पुट्टी, इसमें क्लिक करता हूं, उसके बाद डाउनलोड डाउनलोड,
राइट। उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करोगे, डबल क्लिक करके इंस्टॉल। नेक्स्ट, राइट, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देन उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे पुट्टी, ठीक है, और पुट्टी, सबसे पहले आप पुट्टी जेन में जाओगे और आपको AWS ने जो फाइल दिया है वो PAM है, राइट। आप इसको पहले कन्वर्ट करोगे PPK में, देन उसके बाद ये की काम करेगी क्योंकि आप विंडोज इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर रहे हो। अगर लिनक्स होता तो PAM ही चल जाता। कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। डाउनलोड में क्लिक करोगे, अपनी PAM वाली की पे जाओगे, ये रही, ओपन में क्लिक करोगे, ओके करोगे, सेव प्राइवेट करोगे, नॉट अ पब्लिक, सेव प्राइवेट, यस। उसके बाद पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, मैंने बोला फर्स्ट EC2 की, राइट, PAM को हटा देना है और PPK करना है और उसके बाद सेव और कट। अब आप पुट्टी पे जाओगे, ये पुट्टी, सॉरी पुट्टी जन फिर से ओपन हो गया, मैं क्या ओपन करूंगा पुट्टी। उसके बाद EC2-user@ और ये पब्लिक IP आप कॉपी करोगे, यहां पे पेस्ट करोगे, SSH पे जाओगे, auth पे जाओगे, ब्राउज करोगे, देन उसके बाद ये की और ओपन एंड यस। तो देखो दोस्तों ये मैं कनेक्ट कर गया, क्या कर लिया, मैं कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस यूजर को सूडो का फुल पावर होता है, देखो सूडो करके ये रूट पे आ गया। अब अगर आप चाहते हो कि विदाउट की के मैं एक्सेस करना चाहता हूं इस मशीन को, तो आप EC2-user, मैं आपको समझाता हूं EC2-user क्या है। ये डिफॉल्ट यूजर नेम होता है AWS लिनक्स पे बना कर देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं विदाउट की कनेक्ट करूं, वो भी रूट के अकाउंट से करूं, तो आप रूट का सबसे पहले पासवर्ड सेट करोगे, ठीक है, देन उसके बाद आप SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाओगे क्योंकि रूट लॉगिन बंद होता है, तो आप इसको इनेबल करोगे सबसे पहले, ठीक है। तो मैं यहां से इनेबल करता हूं, परमिट रूट लॉगिन यस, और एक और ऑप्शन आपको यहां पर करना पड़ेगा, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट बंद करके रखते हैं। देन उसके बाद सिस्टम CTL आप क्या करोगे दोस्तों, रीस्टार्ट SSHD, क्लियर। उसके बाद मैंने बंद किया, ये भी बंद किया। अब देखो, अब मैं गया सीधे पुट्टी पे, मैंने यहां सीधे डाला रूट @IP, SSH में जाके की नहीं डिफाइन कर रहा हूं, राइट, क्योंकि मैंने पासवर्ड सेट कर रखा है। ओपन किया, पासवर्ड इसने मुझसे मांगा और मैं लॉगिन कर गया, राइट। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर। अब आप इस ये जो इंस्टांस आपने बनाया AWS के ऊपर, आप इसको यहां से स्टॉप कर सकते हो, राइट। स्टॉप करोगे तो आप दोबारा उसको इसी स्टेट में ऑन भी कर सकते हो, और आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, डिलीट बोले तो टर्मिनेट। तो मैं टर्मिनेट कर रहा हूं अपने अकाउंट से, प्रैक्टिस होने के बाद बेस्ट होता है, टर्मिनेट कर दो, ठीक है। तो थोड़े देर में ये टर्मिनेट हो जाएगा। चलो, तो ये मेरा एक पहला लेक्चर है EC2 इंस्टॉल बनाने का लिनक्स बेस, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर होगा विंडो का कैसे बनाते हैं उस पर देखेंगे। चलो बाय बाय।